विकास दुबे कांड में कथित आरोपी श्याम वाजपेयी की मां और उसकी दो बहनें आज लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने बापू भवन एसआईटी में अपना बयान दर्ज करवाया। श्यामू की बहन की माने तो श्यामू का बिकरू कांड से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उससे पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। विकास दुबे की बहन प्रीति की माने तो श्यामू का बिकरू कांड से कोई लेना देना नहीं, पुलिस उसे पूछताछ के बहाने ले गई। विकास दुबे प्रकरण में अब एसआईटी बयान दर्ज करने के लिए शुरू हो चुकी है। लखनऊ के बापू भवन में संजय भूसरेड्डी जो एसआईटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष हैं, उनके सामने आज श्यामू वाजपेयी जिनको कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि वो विकास दुबे कांड हुआ था बिकरू कांड उसमें संलिप्त थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थी। आज संजय भूसरेड्डी के सामने उनकी श्यामू वाजपेयी की माँ और दो बहनें आई हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्यों आई हैं यहाँ पर? हम लोग अपना बयान दर्ज करवाने आए थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो सर ने बोला कि वहाँ जाके जो न्यायाधीश हैं उनसे बात करिए आप, तो ये केस वो देख नहीं रहे हैं एनकाउंटर वाले जी। मेरे भाई को 3 तारीख की सुबह ही पुलिस वाले घर से ले गए थे पूछताछ के लिए बता के, और फिर बराबर पूछते रहे तो यही बताया गया कि तुम्हारा भाई पुलिस की हिरासत में ही है, और 8 तारीख को ये दिखाया कि मुठभेड़ में। जब गिरफ्तार किया गया था क्या उस समय जब ये कांड हुआ था पूरा बिकरू कांड, क्या उस समय वहाँ पर मौजूद थे आपके भाई? जी हम लोग सब छत पे सो रहे थे 2 तारीख के ऊपर जुलाई, मेरा पूरा परिवार सब भैया भी सब लोग ऊपर सो रहे थे, और जैसे ही अचानक गोलियां चलने लगी तो हम लोग खुद ही उठ डर के मारे नीचे उतर के दुबक के बैठ गया के। आपके रिश्तेदार थे? जी नहीं, मना कर रहा। फिलहाल ये पूरा परिवार आज बयान दर्ज कराने आया है यहाँ पर, और क्योंकि पूरे एनकाउंटर का जो जाँच हो रही है वो न्यायाधीश जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनके तत्वावधान में हो रही है। फिलहाल संजय भूसरेड्डी यहाँ पर एसआईटी जांच कर रहे हैं पूरे कांड की, तो उसको लेकर आज यहाँ पर श्यामू वाजपेयी का पूरा परिवार बयान दर्ज कराने आया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, 9TV उत्तर प्रदेश।